नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों BSS TET यानी कि बिहार विशेष अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में। आप सभी को पता है 7200 से ज़्यादा पद यहाँ पर निकाले गए, लगभग 5300 पद जो हैं वो आपके प्राथमिक के थे, 1-5 के थे, और लगभग 1700 जो पद थे वो आपके 6-8 के थे, तो लगभग आपके 7200 कुछ पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सभी ने अपना बिहार विशेष अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी दी, और जिसने बिहार विशेष अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा दी उसके लिए यह वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में 7200 यानी कि 79 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें पूर्ण दृष्टिबाधित, विशेष अधिगम दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात, श्रवण बाधिता, वाच्य और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और स्वलीनता संबंधित शिक्षक। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस कराया गया है, यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर के लिए दिया गया था और अब जो है वो रोस्टर जो है वो क्लियर करा दिया गया है, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। अगले सप्ताह तक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी, यानी कि अब अगले सप्ताह तक क्या किया जाएगा, जो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा यह विशेष नियुक्ति जो कराई जा रही है, जो कि कौन कराएगा, वो बिहार लोक सेवा आयोग कराएगा, उसके पास भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 से 5वीं में आपके 5534 और 6 से 8 में आपके 1745 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट जो ये चीज़ें हैं, बिहार में जो विशेष शिक्षा के कुल पदों में 50% आरक्षित पद महिलाओं के लिए होंगे, कुल पदों के, यानी कि आपके इतने पदों के 50% आरक्षित पद जो होंगे वो किसके लिए होंगे, ये होंगे आपकी महिलाओं के लिए होंगे। इस या इन नियुक्तियों में महिलाओं को कोटिवार 50% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि इसमें महिलाओं को थोड़ा बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इतनी दोस्तों जानकारी थी, अगले सप्ताह तक जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा दे दिया जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग को। अब बिहार लोक सेवा आयोग आगे क्या करता है, इसकी जानकारी जैसे भी मिलेगी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार थे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।